के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी दिल्ली में हैं। पार्लियामेंट में कल जो गतिविधियां हुई हैं उसको भी सुना है, प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना है। आगे की क्या रणनीति राजनीति होगी, मुंडा जी से दिल्ली में मैं भी मौजूद हूं और जानने की पूछने की कोशिश करूंगा। बड़ी चर्चा है कि मुंडा जी मंत्री के रूप में फिर से एक बार, ये जो न्यूज चैनल वाले हैं ना, न्यूज चैनल वाला जो है इस तरीके से चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि जिसका कहीं से कोई मतलब ही नहीं निकलता है। भाई ये सारा चीज़ ऐसा थोड़ी हो जाता है कि चर्चा में ही सारा चीज़ हो जाता है क्या? चर्चा में कहीं ना कहीं कुछ दम होता है ना, एग्जिट पोल की चर्चा थी तो कुछ नहीं होता है सब। खूंटी की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जैसा अनुभवी मैंने करिया मुंडा जी का विकल्प के तौर पर, तो सर क्या रणनीति होगी खूंटी के विकास के लिए? नॉलेज सिटी देखे, खूंटी के जनता के साथ मिल करके खूंटी के लिए जो बेहतर हो सकता है उसका प्रयत्न जारी रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों ने अपना स्नेह हमें दिया है उस स्नेह को बरकरार रखते हुए हम उनके बीच में खूंटी के हित के लिए काम कर सकेंगे और काम करने का जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा। सर ये जो कल प्रधानमंत्री की स्पीच हुई है, बड़ी, आप तो पहले भी सांसद रहे हैं, संसद भवन का अनुभव आपको पहले से है, नए सांसदों के लिए बहुत सारे बातें उन्होंने टिप्स के तौर पर दी हैं और ख़ास करके जो लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है उनको भी साधने का और संविधान को प्रणाम करने का, ये ओवरऑल इस तरह पिक्चर को किस तरह से देखा जाए? देश के प्रधानमंत्री है, दल ने उसे उन्हें चुना है, पर वो पूरे देश के लिए है। जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के रूप में चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में सभी लोगों ने समर्थन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि पूरा देश इनके नेतृत्व में चले। मुंडा जी जो दिल्ली में हैं और अपनी गतिविधियों में हैं, सरकार में मंत्री बनेंगे इस सवाल पे वो कुछ भी नहीं कहते हैं, कहते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कार्यक्षेत्र की बात है, इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कैमरामैन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11।